हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। चलिए आपको मिलाते हैं झारखंड के सबसे बड़ा नेता टाइगर जयराम महतो से। टाइगर जयराम महतो को फाइनली अब अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मगर सबसे दुखद घटना है कि टाइगर जयराम महतो के फेफड़ों में घाव हो चुका है। वो काफ़ी परेशान और काफ़ी दिक्कत में है। अब हो सकता है कि वो विधानसभा के दौरे में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। चलिए इन सब बातों उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। मेरे वीडियो के एंड तक बने रहें और टाइगर जयराम महतो क्या बोलते हैं सारी बातें हम लोग इस वीडियो के एंड तक में सुनेंगे। मीडिया से मुखातिब होने का भी कारण यही है कि हमें लगता है कि हम पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुके हैं, पब्लिक ने चंदा दिया है, तब मेरा जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा। तो इसलिए पब्लिक को जानने का अधिकार है, जानना इसलिए अधिकार है क्योंकि डॉक्टर का सख्त हिदायत है कि आगामी 10-15 दिन बिल्कुल वॉइस को रेस्ट करना है, और अगर हम पब्लिक को अपने बारे में नहीं बताएंगे तो शायद वो असमंजस की स्थिति में होगी। वो सुबह मेरे घर आ जाएगी, हमसे आ जाएगी, और अगर हम उनकी समस्याओं को नहीं सुन पाएंगे, घर में नहीं रहेंगे तो उनको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आज हम अपने बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे। हालांकि स्थिति थोड़ा ख़राब है, रिपोर्ट है, और हालांकि सब चीज़ बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी बन चुका हूँ, लोगों ने मुझे चंदा देकर चुनाव लड़ाया है, तो लोगों की मुझसे अपेक्षाएँ हैं, तो मेरा कुछ भी लाइफ पर पर्सनल रहा नहीं। तो फिलहाल दिल्ली में गए थे तो कुछ समस्याएँ आई, जिसमें लंग्स और उसमें इंटरनली मतलब अंदर साइड से छोटे छोटे घाव, मतलब इन्फेक्शन कह सकते हैं, मैंने थोड़ा भी मामूली घाव का रूप लिया है, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। और मतलब उसका रीज़न यही है कि बोलना, अगर आप बोलने, और हम तो एक साल पहले ही, मुझे वार्निंग भी मिली थी कि आप अगर बोलेंगे तो थ्रॉट का प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम हो चुका है, यानी जानबूझ के एक्सीडेंट अपना करवा रहे हैं। बस रीज़न है कि जनता, जब भी जनता समस्या लेकर आती है हम भावनाओं में भर जाते हैं, चाहे पदाधिकारी रहो चाहे कुछ भी रहो, हम तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप जनता से हम कुछ दिन के लिए माफ़ी चाहेंगे, इसलिए आज मजबूरी में अपना रिपोर्ट भी हम लेके आए हैं। हालांकि ऐसे पहले 2 सालों से मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये सत्य है कि मेरा 29 साल की उम्र में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना मैंने पूरे ज़िंदगी में दवा नहीं खाया है, मात्र इन 2 सालों में खाया, जितना मेरा ज़िंदगी में पानी नहीं चढ़ा उतना पानी इन 2 सालों में चढ़ा, जितना रोग मेरा पूरा जीवन में नहीं हुआ था उतना इन 2 सालों में, लंग्स में और थ्रोट में, अंदर साइड से छोटे छोटे मतलब दाग कह सकते हैं या हल्का मामूली घाव कह सकते हैं, ये वर्ष की रिपोर्ट है। और उसके लिए 15 दिनों का विशेष परहेज है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, और उसी के लिए दिल्ली गए हुए थे, लेकिन चूँकि विधानसभा का चुनाव भी है और अपना पर्चा भी भरना था तो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आना पड़ा। हालांकि डॉक्टर की हिदायत थी कि अभी 2-4 दिन दिल्ली में रुकें, लेकिन उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आए हैं। तो जरा मतलब संगठन के कार्य में अभी एक्टिव नहीं रहेंगे क्या? हमें लगता है यहाँ से विश्राम तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल और कुछ मर्यादाओं का अनुपालन करना होगा। अगर आप डॉक्टर की बातों को नहीं मानते हैं, आप वकील की बातों को नहीं मानते हैं, तो शायद टीचर की बातों को नहीं मानते, तो नुकसान तो होगा। और साल भर पहले ही मुझे डॉक्टर ने कहा था, और उन्होंने थ्रॉट को ही कहा था कि आप थ्रॉट की गंभीर बीमारी से ग्रसित होंगे, और साल भर सामने रिजल्ट है, वही है। हमने जनता के आंदोलनों में व्यस्त रहें, धरनों में व्यस्त रहें, सभाओं में व्यस्त रहें, जनता के हक अधिकार की लड़ाई में व्यस्त रहें, तो यह कह सकते हैं 29 साल की उम्र में एक युवा है। जहाँ 70 साल का कोई विधायक होता है तो मामूली खरोच आता है तो सीधे साउथ इंडिया भाग जाता है, कलकत्ता भाग जाता है, तो दिल्ली भाग जाता है, इसका पूरा करियर पड़ा है, लेकिन उसने कभी अपने जीवन की परवाह नहीं की। और आज 2 गंभीर बीमारियों से, फिलहाल मैं 2 नई गंभीर बीमारियों से आपको परिचय करवा रहा हूँ, 12 जो है वो पुरानी बीमारी है। इसमें तमाम आँख का भी रिपोर्ट है, आँख में भी इशू आया है, लीवर का भी इशू है, बहुत सारे इशू हैं, मतलब एक दर्जन इशू है, लेकिन 2 इशू जो नए आए हैं वो थ्रॉट का है और लंग्स का है। आगे सवाल, ज़्यादा बात करते हैं आप, भाषण देते हैं, उसका कारण है क्या? वही कारण है जनता के लिए जो अच्छी करते हैं, मतलब वही आंदोलन में जाना, पब्लिक से मिलना, बातें करना, सभाओं में भाषण देना, वही कारण है। ये खास रहे उसी की वजह से क्या? अच्छा, जयराम महतो एक नए सिरे से राजनीति कर रहे हैं, पहले जिस टाइप का जेएसएससी का वैकेंसी निकलता उस टाइप से विधायक बनने के लिए नया करना चाहते हैं, पर नया करने के लिए राजनीति में आए, इसीलिए अड़चने भी आ रही हैं। जब से हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है, लोग मतलब एक नहीं एक किसी नवजात पर चील को वे झपट्टा मारते हैं, उसी तरह एक नए जीव की तरह हम एक कोई नया जीव हैं, कोई छोटा सा हम पक्षी हैं, एक छोटा सा जीव के साजिश करता कुछ यूट्यूबर्स एक झपट्टा मार रहे चील और गिद्ध की तरह। जब से मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, स्वाभाविक है आपके मन में भी कुछ नाम आते होंगे, तो इन चुनौतियों से कैसे निपटे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन जेन्युइन सवाल है जयराम जी, आप आंदोलनकारी का पार्टी कहते हैं, गरीब लोगों का पार्टी कहते हैं, और फिर फॉर्म भरने के लिए 5,000। देखिए अनिल जी, आप अगर है तो आप मेरे फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है कि हम 5,000 डिमांड किए हैं। किसी भी प्रत्याशी ने अगर फॉर्म ये लिया है तो मैं सख्त हिदायत दूंगा कि वापस कर देंगे,
वो आएँ और वापस मांग लें। सबसे पहला बात, जब आप पार्टी में आते हैं, देखिए कोई भी पार्टी को चलाने के लिए चार क का होना बहुत जरूरी है। अगर चार क को आप महत्वपूर्ण नहीं देते हैं तो आप कभी पार्टी नहीं चला पाएंगे। एक क से होता है कार्यालय, एक क से होता है कार्यकर्ता, एक क से होता है कार्यक्रम और एक क से होता है कोष। बिना कोष का कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलता है अनिल जी। तो सुनिए, हमारे पार्टी का संविधान, जो भारत का जो संविधान है ना, जहाँ 1951 आर्टिकल के तहत जब आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो वहाँ आपको तमाम अनुच्छेद बना के देने होंगे कि आप कई साल में कितने महीनों में आपकी जिला की मीटिंग होगी, आप जो सदस्य बनाएंगे उसका शुल्क क्या होगा, ये संवैधानिक है। तो सबसे पहले जो जान वो राजनीति को नहीं जानते हैं, जो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। हमारे पार्टी के संविधान में जो दिल्ली के चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो हमारी पार्टी में केंद्रीय पदाधिकारी केंद्र सदस्य होंगे उनको 5,000 रुपये शुल्क वार्षिक लिए जाएंगे, जो जिला में होंगे उनको 3,000 शुल्क लिए जाएंगे, जो प्रखंड और पंचायत में होंगे उनको 2,000 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। उसके बाद अगर मान के चले कोई अगर केंद्र में भी नहीं है, कोई भी पार्टी, आपको भी मालूम है, कोई स्कूल रहे, कोई अस्पताल रहे, चाहे कोई चैरिटी रहे, कोई संस्था रहे, वो डोनेशन से चलती है। और डोनेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। जब स्कूल डोनेशन से चलता है, जब अस्पताल डोनेशन से चलता है, कोई संस्था डोनेशन से चलती है, तो नो डाउट बाकी जो लोग हैं वो अनुदान के रूप में उनसे ले रहे हैं। पार्टी में विधायक बनने के नाम से, फॉर्म के नाम से कोई ऐसा नहीं। हाँ, इसी मौके में चूंकि हम लोग को सब काम एक साथ करना था, समय नहीं है, सदस्यता अभियान भी चलाना था, और जो लोग प्रत्याशी बन रहे वो हमारी केंद्र कमेटी के मेंबर भी हैं, वो जो नए भी फॉर्म भरेंगे उनको भी 5,000 रुपये देने होंगे, चूंकि वो हमारे पार्टी के संविधान में वर्णित है। और आप जब पार्टी चलाते हैं तो पार्टी का जो संविधान आपको जो मान्य नंबर मिला है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोग लिए हैं तो उसके लिए हमें एक संविधान वहाँ देना पड़ता है। हर पार्टी का अपना एक संविधान होता है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपना जो पार्टी हमारा है JLKM, उस पार्टी के संविधान के अनुरूप कर रहे हैं। आज आप भी नामांकन फॉर्म लिए हैं, कौन सीट से आप लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उसकी अभी सार्वजनिक घोषणा हम नहीं कर सकते हैं, वो गोपनीय विषय है। पार्टी की कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल में होती हैं, और सभी प्रत्याशियों को ये मैंने अधिकार है कि वो चार पांच सीटों पर चॉइस करेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी फॉर्म लिया? क्यों नहीं लेंगे, केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के संविधान से ऊपर नहीं है, तो हमने भी फॉर्म लेने का काम किया है। अच्छा, मैनिफेस्टो कब जारी कर रहे हैं? आपने तो फॉर्म भराना शुरू कर दिया। देखिए, मैनिफेस्टो जब भी चुनाव आता है, ठीक उससे आचार संहिता के आसपास जारी होगा। हमने मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष और उनके सदस्य बनाकर टीम जारी भी कर दिया है। वे जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सर, लोकसभा चुनाव के बाद जयराम महतो अपना संगठन को मजबूत पा रहे हैं कि कमजोर पा रहे हैं? बहुत मजबूत पा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बहुत मजबूत पा रहे हैं, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या लगता है आपको, विधानसभा के चुनाव से पहले आपका सिंबल आ चुका है? तो सिंबल बिल्कुल मिलेगा, हमारा सिंबल मिलेगा। सिंबल मिलने में जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, हम नाम लेके ही बोले ना, हमको आप कोई परहेज नहीं उनका नाम लेने से। बोलिए, कौन टारगेट कर रहे हैं? एक तथाकथित पत्रकार अपने आप को कहते हैं, देखिए सबसे जो आपके हर एक एक्टिविटी को वॉच करते हैं बहुत माइन्यूटली और उसमें हर एक चीज में कमेंट करते हैं। देखिए, अब मैं विस्तार पूर्वक बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये मानव की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अगर इस गांव के लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे ना, तो कुछ लोगों को मुझसे नहीं लेकिन उस प्रेम करने के भाव से नफरत होने लगेगा कि इसको इतना प्रेम क्यों मिला। अभी मान के चले एक बात बताइए, धोनी ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? विराट कोहली ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? सचिन तेंदुलकर ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन उनके हेटर्स है कि नहीं? तो लाइक दैट, जब आप सक्सेस होते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं, तो कुछ लोग हेटर्स मिलते हैं। देखिए, एक आलोचना अलग होता है, हेटर अलग होता है। जैसे मान के चलिए, मैं भरे मंचों पर धोनी के ड्रीम इलेवन का खिलाफ करता हूँ, रोहित शर्मा रहे चाहे विराट कोहली का भी मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ती है कि 3 विकेट गिराए, मैं चाहता हूँ कोहली शतक बनाए, इसका मतलब मैं उनका हेटर नहीं हूँ, मैं उनका आलोचक हूँ कि आपने विदेश में शादी किया, आपने ज्वेलरी ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, आपने पानी का बोतल फ्रांस से मंगाया, तो मैंने उनके इस व्यवहार की आलोचना की, मैं उनका आलोचक हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं मेरे आलोचक नहीं है, मेरे हेटर है। अगर आप मेरे आलोचक थे, आलोचक थे तभी तो 8,000 रुपये अंगद नाइक को नहीं दिए तो सवाल उठाए। नहीं, आप बिल्कुल उनके परिवार को, सबसे पहली बात उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आप सच्चाई जानना घटी थी उस समय, हम लोग जितना सहयोग पड़ा था बहुत सहयोग किए थे और आगे भी हम लोग का कोई। अच्छा, एक बात बताए, नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई अन्य दल के कार्यकर्ता सड़क किसी दुर्घटना में घटना नहीं होता है? क्या कोई ऐसा पार्टी है जो किसी परिवार के लिए ऐसा खड़ा होता है? तो देखिए, हमने भी, जब हमारी पार्टी कोई विधायक नहीं, हमारा पास कोई स्रोत नहीं है, उसके बावजूद हम लोग हमेशा खड़े रहे उस परिवार के साथ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बोला और जा रहा था कि आप उसको परिवार को 8,000 तो दिखा दीजिए, मेरे जुबान से अगर कोई स्टेटमेंट है तो दिखाइए। नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो आज तक उनके राजनीतिक दल से कितने लोगों का घटना घटा? JMM आज इतनी बड़ी पार्टी है, उनके दल से कितने लोगों ने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है? देखिए, परिवार की मुसीबत में साथ आना ये स्टेटमेंट है, और आगे भी हम लोग खड़ा रहेंगे भले उसके परिवार हमारी क्या बोलती है। उसके बाद देखिए, जहां तक आप जिस भाई साहब की बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, उनका जो स्वभाव है वह एक घृणित विकृत मानसिकता का स्वभाव है। उसकी कहानी शुरू होती है मेरे आंदोलन में आने से।
देखिए, मेरी आलोचना अगर 2 साल बाद होती तो मैं स्वीकार करता कि चलो अब मैं राजनीतिक पार्टी बना चुका हूँ। मेरी आलोचना तो भाषा आंदोलन के बीच बीच में होने लगी थी, जब मेरा ग्रोथ बढ़ने लगा, जब मेरा क्रेज बढ़ने लगा, लोगों में मेरी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, तभी मेरा विरोध होने लगा था। और जो भाई साहब की बात करते हैं, उनसे पूछिएगा, 21 तारीख को देखिएगा, आज भी उनका पोस्ट होगा कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ पदयात्रा में जा रहा हूँ, कुछ साथियों के साथ। जबकि 17 तारीख को, 4 दिन पहले, धनबाद और बोकारो में 250 लोगों का मीटिंग था। हम लोग का ये रणनीति था कि तेलमोचो ब्रिज का एक साइड हम लोग जाम कर देंगे 72 घंटा के लिए, अगर भाषा वापस नहीं होता है तो। हमें लगता है उसके बाद जैसे हम 17 को मीटिंग करते हैं और जब ये निर्णय आपस में चर्चा करते हैं, अगले दिन भाषा वापस हो जाती है। जब 18 को भाषा वापस हो चुकी है तो 21 को क्यों गए थे? तो इसका रीजन यही था। एक हमारे तुपचाची के भी बड़े नेता हैं जो मेरे ही क्षेत्र के हैं, और उनको भी ये लगा था कि अगर ये लड़का आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मेरे लिए संकट होगा। तो उन लोग एक प्लानिंग किया कि अब इसको पूरा राज्य जानने लगा है, इसके हाथों में नेतृत्व है, मानव श्रृंखला हो चुका है, लाखों की भीड़ आ चुकी है, अब क्या कीजिएगा, ना कुछ नया कीजिए ताकि नेतृत्व इसके हाथों से लिया जाए। तब वो क्या किए, पदयात्रा निकालें। आपको पदयात्रा जाना था, हम लोग भी समर्थन करते हैं, नहीं हुआ। जो मीटिंग धनबाद और बोकारो तेलमचो ब्रिज में बुलाया गया था, जिसमें 250 नौजवान थे, उस मीटिंग में वे भी उपस्थित थे। जो लोग पदयात्रा में गए थे वे लोग भी उपस्थित थे, जबकि 4 दिन पहले मीटिंग हुआ था। तो इसका रीजन एक ही था कि वे लोग चाहते थे कि नेतृत्व को जयराम महतो के हाथों से ले लें, क्योंकि सबको नेतृत्वकर्ता बनना था, सबको लीडर बनना था, और वो नहीं चाहते थे कि हम लोग से जूनियर लड़का लीडरशिप करे। क्योंकि आपको भी उनका इतिहास मालूम है, सूर्य सिंह बेसरा उनको एक बार कहाँ सीएम प्रोजेक्ट कर चुके थे हाथ खड़ा करके। ये हमारे जो नेताजी हैं, आज हमको लगता है 7-8 साल पहले से अपने आप को टुंडी का योद्धा आइकॉन लिखते हैं फेसबुक में, तो अपने आपको नेता, स्वघोषित नेता मान चुके थे और जनता हमें मान रही थी। तो लिहाजा उनको उस बात से तकलीफ है। मैंने पहले कहा, आलोचक अलग होते हैं, हेटर्स अलग होते हैं। रन बनाना यानी अगला का हेड करना, सचिन का शतक बनाना यानी अगला का हेड करना। तो जब मैं राजनीति में आया तो जाहिर सी बात है, हाँ, अगर ये अपने आप को इतने ही बड़े आलोचक कहते हैं तो जब मैंने 3.5 लाख वोट लाया तो एक दिन मेरी प्रशंसा कर देते, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया, जिसकी प्रशंसा पूरे राज्य की मीडिया ने किया, और हम प्रशंसा के हकदार हैं भाई। 1952 से भारत देश में चुनाव होता है, 27.5% वोट आज तक कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लाया है, आप इतिहास पता कर लीजिए। और अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो झारखंड मैंने हिस्ट्री को ब्रेक किया है। आने वाले शख्स को आप एक बार चर्चा नहीं कर पाए, आलोचक किसे कहा जाता है? जो आपको आपको नकारात्मक भी कहेगा और आप अच्छा करेंगे तो उसकी प्रशंसा भी करेगा। आप तो कभी लाइव नहीं आए, चलिए ठीक है, उसके बाद आप लोग लाइव आते, अच्छा बात है लाइव आइए, लेकिन आप तो ले दे के जयराम महतो पे लाइव आते हैं। उनसे जो जुड़े हैं, मोतीलाल महतो, फरजान खान, तो राजकुमार मंडल, तो पूजा महतो, तो बेबी महतो, ये आपकी घृणित मानसिकता है, ये राजनीति नहीं, और ये सवाल अयोध्या, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम निष्पक्ष हैं तो आप उस दिन भी लाए बातें जब कल्पना सोरेन को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाए बातें जब सुबोध कांत साहे की बेटी को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाए बातें जब अनूप सिंह की पत्नी को टिकट दिया गया, आप उस दिन भी लाए बातें जब नेहा शिल्पी तिर्की को टिकट दिया गया, तब तो मानते हैं। क्या लगता है ये लोग कहीं से प्रेरित है? नहीं, फंडिंग है, आप कहिएगा तो। चूंकि जो लोग उनको लोग बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा, हमने कहा कि नहीं रिश्ता खराब मत कीजिए, तो आप ही बताइए ना भाई, आप आते ठीक है, एक दिन आप बीजेपी को लेकर लाइव आते, आप एक दिन जेएमएम को लेकर लाइव आते, एक दिन आरजेडी को लेकर लाइव आते, एक दिन जेडीयू को लेकर लाइव आते, एक दिन कांग्रेस को लेकर आते, उसके बाद एक दिन जयराम महतो और जलगम को लेकर आते, लोग आपको मानते हैं। आप तो हाथ धो के पीछे पड़े, इसका मतलब यही है कि घृणित और विकृत मानसिक। आपके फोन और टी शर्ट पे भी नजर रखा जा रहा था, लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं।